तो भाई अभी हम लेकर के आए हैं आपके लिए अडेप्टर, और ये अडेप्टर मंगवाया हमने गोप्रो के लिए। तो गाड़ी के अंदर ना भाई पानी ही पानी घुस गया था, और मैंने ना इसको वैक्यूम भी करवाया था, बट अभी भी ना पूरा गीला ही जंग पकड़ने लग गया है, क्योंकि ज्यादा पानी है ना इसमें। और उस दिन मैंने इसको ऐसे किया, खट से मेरे हाथ में आ गया। जिसके पास गाड़ी होती है ना भाई, उसका ड्रीम होता है इसको लेने का। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। भाई अभी ऑफिस से छुट्टी होते ही मैंने सोचा आपके साथ कुछ एक चीजें शेयर की जाएं जो हमने मंगवाई थी अपने कैमरा के लिए। इन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप वीडियो स्किप ना करें। तो भाई मेरे हाथ में पता क्या चीज है, गोप्रो का अडेप्टर भाई, जिसपे लगता है आपका माइक और देता है आपको एक अच्छी वॉइस क्वालिटी। अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना भाई, ये इसका स्टॉक माइक लगा हुआ है इसके अंदर, मैंने कुछ भी अटैचमेंट नहीं करी है। अगर मैं इसको लगा देता हूँ ना भाई, तो मेरा कैमरा थोड़ा हैवी हो जाएगा। और भाई आप अगर पीछे देख पा रहे हो ना कि मैंने गाड़ी को खोल के क्यों रखा है, तो भाई इसका एक बहुत खतरनाक रीजन है। टाइम हो रखा है 6:24। तो भाई बरसातें चली हुई हैं अभी ताबड़तोड़, तो मैंने क्या किया भाई, जहाँ पे हमारा एरिया है वहाँ पे ना गाड़ी आधी आधी पानी में चली गई थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो गाड़ी के अंदर ना भाई पानी ही पानी घुस गया था, और मैंने ना इसको वैक्यूम भी करवाया था, बट अभी भी ना पूरा गीला ही है। देखो भाई हाथ मेरा ना गीले हो रहे हैं। कंबल या कारपेट जो भी बोलो आप भाई, वो मुझे ना इसका चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना भाई, अभी देखो जंग पकड़ने लग गया है, क्योंकि ज़्यादा पानी है ना इसमें। तो इसके जो नट्स हैं ना भाई, ये पहले बहुत सही थे, अभी ना इनमें जंग पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये सब रीजन हो जाता है भाई, रस्टिंग बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है अगर ये सब चीज़ें होती है। इसलिए मैंने सोचा भाई छुट्टी हुई है, आधा एक घंटा जो है गाड़ी को धूप भी लग जाएगी, और ये जो है अच्छे तरीके से सूख भी जाएगा। और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे भाई, नोटिस किया होगा आपने, ये जो डोर हैंडल है ना भाई, ये पता क्या हुआ, ये पहले टाइट था, आज जिस दिन ज़्यादा तेज बारिश हुई और उस दिन मैंने इसको ऐसे किया, खट से मेरे हाथ में आ गया और फट से यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। और ये था वो डोर हैंडल भाई, ये डोर हैंडल तो भाई ठीक है, सस्ता है, 80-90 रुपए का आ जाएगा। इवन भाई मैंने ये वाला जो है, ये भी मेरा टूट गया था, मैंने देसी लगा रखा, अभी तक अच्छा काम कर रहा है। पर बॉडी कलर इसको मैच कलर करवाना होना, तो वो आपको कॉस्ट करता है 200-300 रुपए के आसपास, मतलब आपको 400 रुपए की कॉस्ट आ जाती है इसको लगवाने की। भाई एक और खतरनाक चीज आई है हमारे पास, तो सोचो इसमें क्या होगा भाई, और ये कहां से आया होगा। जिसके पास गाड़ी होती है ना भाई, उसका ड्रीम होता है इसको लेने। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं मैं जल्दी जल्दी से, फिर बताता हूं इसके अंदर है क्या चीज। तो भाई साहब ये देखो, ये चीज है भाई, ये चीज मैंने मंगवाई है motric.in से, और ये आई है दिल्ली से भाई। ये रहते हैं कुछ ऐसे स्टिकर्स, तो भाई इसमें मैंने पता क्या लिखवा रखा है, आप सोचो मैंने क्या लिखवा रखा है भाई। क्योंकि 3D स्टिकर आते हैं ना, तो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उन्होंने और आपका सबका सजेशन था कि भाई आप अपनी गाड़ी का नाम ये रखो, और भाई हमने रखा है इसका नाम शैडो। चारों टायर मुझे पहले खोलने पड़ेंगे, अच्छे से धोने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद लगाना पड़ेगा। मुझे पता है भाई बाहर मैकेनिक के पास थोड़ा सा काम खराब ही रहेगा, इसलिए मैं इसको खुद करूंगा अपने घर पे। इसको इंस्टॉल करने का वीडियो भाई मैं अलग से बना दूंगा, और अगर आपको भी बाय करने तो आप इसको यूज कर मंगवा सकते हो मोटरिक वालों से। तो भाई इनका ना ऑनलाइन वेबसाइट भी, आप इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हैं। और भाई इसके अंदर ना एक ग्लू दिया जाता है, जिसको आपने सिर्फ लगाना होता है। तो भाई अभी हम लेकर के आए हैं आपके लिए अडेप्टर, और ये अडेप्टर मंगवाया हमने गोप्रो के लिए, और इसको भाई काफी टाइम के बाद हमने मंगवाया, 2 सालों के बाद। जो अभी मेरी आप करंट वॉइस नोट सुन रहे हो ना भाई, ये आ रहा मेरा इसका स्टॉक, जो इस पे माइक लगा होता ना उसके थ्रू। भाई अगर वीडियो टेढ़ी आ रही होगी ना, तो थोड़ा सा हमें क्षमा कीजिएगा, किटकैट लगी हुई है इसके आगे भाई, जो कि वॉइस को आपके क्लियर पहुंचाता है। अगर इधर उधर, अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इधर उधर से विंड नॉइस आ रहा हो ना भाई, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है आप, और आपकी आवाज क्लियर करके आप तक पहुंचाता है। और ये अंदर से कुछ इस तरीके का होता है भाई, और ये है बोया का भाई। भाई आज से 2 साल पहले मंगवा दिया था, बट इसको ज्यादा यूज किया नहीं है। जब भी मैं DSLR यूज करता था, तब मैं इसको लगा देता था, बट अब हम अपने इसको GoPro के साथ अटैच करेंगे। अब देखते कितना हैवी होता है, इसके साथ क्या क्या एक्सेसरी आती है इसके साथ, इसको जल्दी से खोलते भाई। मैंने इसको ना अनबॉक्सिंग पहले कर दी थी, देखने के लिए कि इसके अंदर आता क्या क्या, आपको ही वीडियो में दिखाई थी भाई। ये रहता है भाई इसका अडेप्टर इतना सा भाई, और ये 4,000 कॉस्ट करता है। जितने भी हमारे बाइकर्स है ना भाई, वो अगर GoPro लेते हैं तो उनको ये चीज लेनी ही पड़ती है, GoPro का माइंड है भैया। तो भाई ये जो आप मेरी वॉइस अभी सुन पा रहे हो ना भाई, ये आ रही है मेरे बोया के माइक से। अभी इवन भाई मैंने इस पे जो अडेप्टर है वो लगा दिया है, उसके बाद मैंने जो है बोया का माइक लगा दिया है, और आपको दिखाता हूँ मैं लग कैसा रहा है भाई। भाई ये देखने में ना कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है ना, कुछ इतनी ज़्यादा भाई हैवी बन जाता है ये जब आप इसके साथ ये जो माइक जो है कनेक्ट करते हो। ये रहा भाई इसके पूरा सेटअप, और इसको सेटअप भाई ये रेड सा लगता है, फिर आप इतना बड़ा लेकर के चलोगे मार्केट में। और भाई जब मैं आपके साथ इससे कनेक्ट होऊंगा ना, तो मैं इसका फेस जो है अपनी तरफ कर लूंगा माइक का, ताकि मेरी वॉइस जो है आप तक प्रॉपर आए। और ये फ्रंट वाला माइक तो भाई जब हम ऐसे बात करते हैं ना, तो इसका कोई रोल नहीं रह जाता, तो हमारी आवाज़ जो है बहुत स्लो आती है। अब देखते हैं भाई, देखना ये है कि अब हमारी वॉइस की क्लियरिटी कैसी बनती है। आप सब ने मुझे बोला, फोर्स किया भाई कि अपनी जो वॉइस क्लियरिटी है उसको थोड़ा सुधारो, क्योंकि आपकी वॉइस ज़्यादा आती नहीं है, म्यूजिक ज़्यादा आता है। आपके लिए ये वॉइस क्लियरिटी के लिए अडेप्टर लिया, तो अब देखते हैं हमारे ब्लॉग में अच्छा साउंड आ पाता है या नहीं आ पाता। अभी अगर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर हमारा साउंड जो है कैसा बनता है, रुको।
अभी मैंने भाई इसमें से अपना जो माइक है वो हटा दिया है, अभी इसका जो नेचुरल साउंड है वो आ रहा है जो इसमें स्टॉक सिस्टम लगा हुआ है। दोनों का डिफरेंस देख लेना भाई, क्या था पहले, कैसा था, अब कैसा है, तो आप हमें डिफरेंस बता देना भाई कौन सा अच्छा लगा, विद माइक या विदाउट माइक। अगर आप बाइकर हो ना तो आपके लिए ये चीज़ बहुत मैंडेटरी है, अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह में यूज़ करना है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट क्या होता है गाड़ी में भी जब चलते हैं खुली होती है, हमारा जो साउंड है ना भाई वो गायब हो गया एकदम से, क्योंकि भाई मैंने जब ये मैंने अडेप्टर लिया और इसके साथ माइक अटैच किया, मुझे नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा होगा। इसमें क्या होता है भाई, इसमें सीक्वेंस होता है, अगर आपने इसमें माइक अटैच किया है तो आप इसको दूसरा माइक जब लगाओगे या इसको हटाओगे तो एक बार ना गोप्रो को बंद करना पड़ता है, उसके बाद ऑन करना पड़ता है, तब जा करके वो माइक को डिटेक्ट करता है। इसमें 3-4 सेटिंगें आती हैं भाई। एक मैं रिकॉर्डिंग करने लगा था मॉर्निंग में, जो आपने भी क्लिप देखा था, ये मॉर्निंग का क्लिप था, जैसे मैंने कैमरा ऑन करने लगा भाई 9% बैटरी थी और सीधा ठक से गोप्रो मेरा बंद हो गया, और बीच में जब हम माइक को सेट करने लगे हमारी वॉइस ही गायब हो गई, तो पूरी वीडियो का मजा किरकिरा हो गया भाई। ये है आईफोन भाई, अगर आपने नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी है, आपके पास कोई बाइक नहीं है, आपके पास गाड़ी है या कुछ भी, जो मोटो ब्लॉगर होते हैं ना भाई उनके लिए तो ये कैमरा बहुत अच्छा है, नो डाउट गोप्रो भाई। जो आपने इसमें छोटे छोटे क्लिप्स देखे थे ना, अभी 2 क्लिप डाले थे जिसमें मैंने अपना कैमरा दिखाया था भाई, वो क्लिप लिए थे मैंने अपना आईफोन 11 से भाई, क्या अल्टीमेट इसमें क्लिप रिकॉर्डिंग हुए थे। तो मैं प्रेफर करता हूँ अगर हम ब्लॉगिंग करनी है तो भाई आप आईफोन 256 GB ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सस्ता पड़ेगा और इसमें ना माइक लगाने की ज़रूरत है, और इवन भाई ये वाटरप्रूफ भी है, इसमें 4K रिकॉर्डिंग करो आप, अपना रील बनाओ, कुछ भी बनाओ, इजीली कैरी कर सकते हो भाई, कहीं भी आपने कहीं जाना हो जहाँ पे कैमरा रिस्ट्रिक्शन होती है, ऐसे हम गोप्रो नहीं लेके जा सकते कहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो हम अपना आईफोन ले गए भाई, जस्ट ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। ये किस्सा सुनाता हूँ भाई, एलांटे मॉल का किस्सा था वो, जब मुझे उन्होंने मना कर दी थी कि भाई आप अपना गोप्रो अंदर नहीं ले जा सकते, कैमरा है, तो भाई मैंने बोला कि मेरे पास तो ऑलरेडी मोबाइल है तो मैं मोबाइल से भी शूट कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं आपने करनी है तो आप सीधा आईफोन जा करके ले सकते हो भाई, क्योंकि आईफोन की क्लियरिटी अल्टीमेट है, ना इसमें माइक का झंझट है, ना इसमें बैटरी फूलती है, ना तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा अडैप्टर लेने की जरूरत है। अपनी गाड़ी ना स्टॉक में कुछ ऐसी फील हो रही है, जब इस पे टायर स्टिकर लगे हैं ना, सोचो भाई क्या मस्त अमेजिंग फील देगी ये। जो आता नहीं है मार्कर सा व्हाइट फ्लूइड होता है, उससे मैं लिख देता था भाई, बट वो ना थोड़े टाइम के बाद, एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जो है मिटना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया। प्राइस डिस्क्लोज करूंगा मैं आपको जब इस पे इंस्टॉल करूंगा कि भाई हमें कितने कॉस्ट किया था। अभी मुझे अपनी गाड़ी में एक और चीज दिखी है भाई, समझ रहे हो, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो भाई क्या है इसके अंदर, भाई पानी चला गया है, ये लाइट मुझे लगता है ब्रेक हो गई और इसके अंदर पानी चला गया, अब ये भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ये वाली लाइट मेरी ओके है, और ये जो अपने स्टिकर्स है ना भाई, इनको करते हैं इकट्ठा और इसकी वीडियो दिखाते हैं आपको जल्द ही। ये जो स्टिकर इनको लगाना भी अपने आप में एक कला है। वाइड एंगल में मेरा आईफोन रिकॉर्ड कर रहा है, इस पे जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही पता लग नहीं रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, ये अपना कभी इस पे म्यूट हो जा रहा है कभी क्या, तो इसको ना प्रॉपर पहले चेक करूंगा, उसके बाद जो है इस पे रिकॉर्डिंग करना शुरू करूंगा। तो भाई अभी आप देख सकते हो ना, जो मैं अपने आईफोन से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ उसकी क्लियरिटी और उसकी वॉइस क्लियरिटी भाई आप देख सकते हो क्या गजब की आ रही है ना। इसमें एक और फीचर है भाई, आप ऐसे जूम भी कर सकते हो, आप गोप्रो में जूम नहीं कर सकते भाई, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आप नोटिस करके ही अपनी आइटम लेना अगर आपने व्लॉगिंग शुरू करनी है। तो देखो भाई पैसा आपका है, खर्च आपने करना है, और डिसाइड भी आपको करना है कि आपने लेना कौन सा है, गोप्रो या फिर आईफोन, ये सारा कुछ भाई आपके ऊपर है। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये मेरा रिव्यू था आप सबके लिए, ताकि आप भी मेरे जैसे गलती ना करो। फिर भी अगर आपको गोप्रो लेना है भाई आप ले सकते हो बेझिझक, बट आईफोन भाई मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा आईफोन। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज, जय हिंद।